वाह बांगड़ू महाराज वाह। फूलो फलो, अरे फूलो फलो, अरे कोने में तो चलो। तो दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा हो चुका है। और दोस्तों, इस एक हफ्ते में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई की है और कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुपरस्टार अक्षय कुमार की रीइनकॉर्नेशन यानी कि पुनर्जन्म पर बनाई गई इस कॉमेडी फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 3,900 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और इस फिल्म का दोस्तों क्लेश हुआ था सांड की आंख, मेड इन चाइना और बिगिल जैसी बड़ी फिल्मों से। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में ऑडियंस द्वारा काफी पसंद किया गया है। वही दोस्तों, क्रिटिक्स ने इस फिल्म की काफी ज्यादा नेगेटिविटी की थी, उसके बाद भी अक्षय कुमार के स्टारडम से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने फर्स्ट वीक में ही 140 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म ने जहाँ अपने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ 19 करोड़ 8 लाख रुपए कमाए थे, वही फर्स्ट वीकेंड में दोस्तों इस फिल्म ने कमाए थे लगभग 54 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस फिल्म के जो विगडेज थे उसमें इस फिल्म ने काफी आउटस्टैंडिंग कमाई की है। और दोस्तों, जहां इस फिल्म ने अपने चौथे दिन कमाए 34 करोड़ 56 लाख रुपए, पांचवे दिन कमाए 24 करोड़ 4 लाख रुपए और अपने छठे दिन कमाए थे 16 करोड़ 35 लाख रुपए। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म अपने 6 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 128 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। बात करें इस फिल्म के 7वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने 7वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और कमाए है 13 करोड़ 20 लाख रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन था वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुका था 141 करोड़ 37 लाख रुपए का। बताए चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने जिस तरह से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ट्रेंड कर रही है, उस हिसाब से दोस्तों ये फिल्म 2019 की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज इस फिल्म को सेकेंड वीक चालू हो चुका है और दोस्तों आज बॉक्स ऑफिस पर उजाड़ा चमन जैसी फिल्म रिलीज हो चुकी है। इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर हाउसफुल 4 की जो स्क्रीन काउंट है उसमें थोड़ी सी कमी की गई है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 65% शो वापस से रिटेन हो चुके हैं, यानी कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज भी लगभग 2800 स्क्रीन पर चलने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों आज की इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो भी काफी शानदार रही है। और बता दें आपको दोस्तों कि आज की इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो रही है 22 से 25% की। आफ्टरनून की दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस ऑक्यूपेंसी है वो दिखा रही है 35 से 40% की। वही दोस्तों एक बार फिर से इस फिल्म की जो इवनिंग ऑक्यूपेंसी है वो दिखा रही है 65 से 70% की, जिसमें ये फिल्म दोस्तों गुजरात और सौराष्ट्र से कई सारे रिकॉर्ड बना चुकी है। वही मुंबई और दिल्ली में भी दोस्तों ये फिल्म काफी शानदार ट्रेंडिंग कर रही है। बताया दोस्तों आपको कि आज की ऑक्यूपेंसी को देखते हुए ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज भी लगभग 10 करोड़ की कमाई करने वाली है। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका होगा और ये फिल्म सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के कैरियर की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी होगी। इससे ज्यादा कमाई करने वाली उनकी 3 फिल्में और रही है, जिसमें एक नंबर पर है यहाँ पर मिशन मंगल, जिसने की 204 करोड़ की कमाई की है। सेकेंड नंबर पर रही है उनकी रोबोट 2.0, जिसने कमाए हैं 190 करोड़ रुपए। वही दोस्तों थर्ड नंबर पर रही है केसरी, जिसने की कमाए हैं 156 करोड़ रुपए। इसी के बाद दोस्तों हम यहाँ पर हाउसफुल 4 का नाम आ चुका है, जिसने की अपने सिर्फ 8 ही दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वही बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म आज अपने 8 दिनों में लगभग 212 करोड़ की कमाई करके एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी है। बजट है दोस्तों इस फिल्म का मात्र 85 करोड़ रुपए का। इस तरह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार ट्रेंड कर रही है और अब तक लगभग 30 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बताया दोस्तों आपको कि कल भी छठ पूजा होने के कारण इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार ओपनिंग मिलने वाली है। कल अपने 9वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली है। इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो अपने 9 दिनों का भी हो चुका होगा 165 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों ये फिल्म अपने 10 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके 2019 की 5th हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार सर की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाई कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल, और हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।